राजस्थान में कोरोना का कहर। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 348 की हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मामले आज सामने आए। जयपुर जिले की अगर बात की जाए तो 3, बांसवाड़ा और बीकानेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आज पाया गया। राजधानी जयपुर में एक 4 साल की बच्ची भी कोरोना की पॉजिटिव पाई गई है और राजधानी जयपुर में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ गए हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। पूरे प्रदेश में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जयपुर में 4 साल की बच्ची को कोरोना पॉजिटिव यहां पर पुष्टि हो गई है। 109 पॉजिटिव मरीज अभी तक राजधानी जयपुर से सामने आ गए हैं। पूरे प्रदेश में 348 का आंकड़ा पार कर गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 348 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, राजधानी जयपुर में भी 109 का आंकड़ा पार कर गई, क्या कहेंगे आप? 348 आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है। जो प्रदेश में लगातार जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसी में आज 5 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें बात करें जयपुर में 3, बांसवाड़ा और बीकानेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। जयपुर में जो 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो 2 घाटगेट और 1 रामगंज का बताया जा रहा है। वही बात करें जयपुर में पहली बार 4 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव मिली, जो इतनी कम छोटी उम्र में जो कोरोना जो मामला सामने आया जयपुर में वो पहला मामला है। इससे पहले झुंझुनू में ऐसा मामला आ चुका है जहाँ 2.5 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव सामने आई है। इसी तरह बात करें तो जयपुर में सबसे अधिक कोरोना के जो मामले हैं वो 109 हो चुके हैं, जो पूरे जो 348 जो पूरे मामले हैं उसमें इनके सबसे बड़े ज्यादा आंकड़े जयपुर में सामने आए हैं। इसी तरह बात करें तो जोधपुर में 30 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं, भीलवाड़ा में 27, झुंझुनू में 23, टोंक में 20 और बात करें तो बीकानेर में भी 15 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह अजमेर और अलवर में 5-5 कोरोना पॉजिटिव सामने मिल चुके हैं। बांसवाड़ा में जहां पहले कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आ रहे थे और अब लगातार एक ही साथ में अब पहले 7 मामले सामने आए और अब तक यानी कि कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, वहां पर भी चिंता का विषय बनती जा रही है। हालांकि भीलवाड़ा में पिछले 3 दिन से 1 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है, जो सुखद खबर है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से 2 अप्रैल के बाद में भीलवाड़ा में 4 अप्रैल को कोरोना का जो मामला सामने आया, उसके बाद में फिर अब 2 दिन और निकल चुके हैं भीलवाड़ा में कोरोना का मामला सामने आया, जो वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। इसी तरह भीलवाड़ा मॉडल को ही जो अन्य जो प्रदेश के हॉटस्पॉट जो कोरोना पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं वहाँ पर लागू करने की बात की जा रही है और वहाँ पर भी उसी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भीलवाड़ा और जयपुर के रामगंज जहाँ सबसे अधिक कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, वहाँ पर भी भीलवाड़ा मॉडल पे ही काम किया जा रहा है। लेकिन भीलवाड़ा और जो जयपुर का जो भौगोलिक परिदृश्य वो अलग अलग है, ऐसे में वहाँ पर उसी तरीके से कंट्रोल में करना काफी मुश्किल लग रहा है और उसी के चलते रामगंज में जो संदिग्ध मरीज हैं और उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और अब तक करीब 2000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है जयपुर में, जहां अलग अलग क्षेत्र में जगह पे वहां पे रखा गया, जहां रिम्स जेईसीआरटी में भी क्वारंटाइन लोगों को किया गया है। जिस तरह से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जाए, उसी तरह अब तक 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जो भी चिंता का विषय बनते जा रही है। हालांकि जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसी में अब तक 43 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जो एक सुखद खबर कही जा सकती है। हालांकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उसी के तहत चिकित्सा विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी के जरिए तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए उन सब चीजों को लेकर रिपोर्ट ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना को आखिर में कंट्रोल में करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो गया है राज्य सरकार के लिए। हालांकि देश भर में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और उसी तरह से राजस्थान की सरकार है वो गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश। प्रदेश से आपको कोरोना के अपडेट दे रहे हैं। 348 का आंकड़ा यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की पार कर चुकी है। राजधानी जयपुर में भी 109 कोरोना पॉजिटिव पाए गए।